Are you emotionally mature? There is a difference between mature and emotionally mature. आपके बाल सफेद हो सकते हैं, आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो सकते हैं, but still emotionally mature नहीं हो सकते. So emotionally mature है कौन? Emotionally mature वो है जो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं nearly any situations. वो दूसरों की फीलिंग को भी समझते हैं और उनको ये भी पता होता है कि कब किसी कन्फ्लिक्ट से पीछे हटना है. वो पूरी सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है. साउंड्स गुड राइट? सो द क्वेश्चन इज, कैसे आप भी इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं? हियर आर 8 वेज टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर. लेट्स बिगिन. नंबर 1, आइडेंटिफाई योर इमोशन. हमें इमोशनली मैच्योर होने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानना होगा. करंट मोमेंट में हम क्या फील कर रहे हैं, वी शुड अवेयर ऑफ इट बिफोर जंपिंग इनटू एनी फाइट. आपको पता होना चाहिए कि आप फाइट कर क्यों रहे हैं. मे बी किसी के कुछ कमेंट या किसी ने कुछ गलत कर दिया, आप उस थॉट को दिन भर मन में लेके बैठे रहते हैं. अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या फील कर रहे हैं तो आप उसका रीज़न भी ढूंढ सकते हैं, आखिर क्यों आप ऐसा फील कर रहे थे. और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको रिजॉल्व भी कर लें, वो भी खुद से. अपने इमोशंस के बारे में लिख लें कि कब आपने क्या फील किया और आराम से बैठ के उसको चेक करें कि आपने ऐसा फील किया तो क्यों किया. सो द नेक्स्ट टाइम अगर आपके पिज़्ज़ा का लास्ट पीस आपका भाई ले लेता है तो गुस्सा करने से पहले डीप ब्रेथ लें और सोचें, एक पिज़्ज़ा स्लाइस के लिए गुस्सा कर रहा हूँ, क्या मैं इतना फूल हूँ? ये तो जस्ट एक स्लाइस था जो कि दूसरा भी आ सकता है. इसके लिए आप अपना दिन या अपना मूड क्यों खराब करेंगे? नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी जिम्मेदारी को सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहते कि आप कहीं गलत ना हो जाएं, तो आप इमोशनली वीक हैं. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हार्ड और आप रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना कि हमें लोग गलत ना कहें, इससे आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि आप अपनी गलतियों से कभी सीखोगे ही नहीं. अपनी गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों को मानना शो करता है कि आप इमोशनली मैच्योर हो. सो द नेक्स्ट टाइम किसी काम को मना करने से पहले याद रखना कि ऐसा करके आप इमोशनली मैच्योर कभी नहीं बनोगे. नंबर 3, फाइंड आर रोल मॉडल. अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में स्ट्रेस फील करते हैं तो ज़रा सोचिए आपका रोल मॉडल जिसको आप आइडियल मानते हैं वो ऐसी सिचुएशन में क्या करता. इफ़ यू डू नॉट हैव एनी रोल मॉडल, क्रिएट वन. अगर बिजनेस में स्ट्रेस होता है तो ज़रा सोचे कि इलोन मस्क ऐसी सिचुएशन में क्या करते. अगर आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया तो ज़रा सोचो लॉर्ड बुद्धा ऐसी सिचुएशन में क्या करते. हर सिचुएशन में आपको अपने रोल मॉडल जैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने रोल मॉडल जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है. बी योर सेल्फ बट लर्न फ्रॉम योर रोल मॉडल. नंबर 4, कीप ए थॉट डायरी. आपने कभी नेगेटिव थॉट सोचा है? कभी भी आप अकेले खाली बैठे हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं, तो खुद को ब्लेम करते हैं, अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी से कंपेयर करते हैं तो खुद को उनसे नीचे समझते हैं. ये नेगेटिव थॉट्स भले ही छोटी सी चीज़ लगते हैं, लेकिन ये हमारे माइंड में ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ ये ऑटो पायलट मोड पर चलने लगते हैं. जिस तरह से वायरस अपने आप को बढ़ाता रहता है, वैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स खुद को बढ़ाते रहते हैं और आप चाह के भी इनको रोक नहीं पाते. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? अपने इन नेगेटिव थॉट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं. आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आए उनको लिखना स्टार्ट करते हैं. जब आपके थॉट्स आपके माइंड से आपके हाथ के रास्ते पेपर पे चले जाते हैं तो ये थॉट्स खत्म हो जाते हैं. कुछ दिन बाद जब आप इन थॉट्स को उठा के पढ़ेंगे तो आपको इनकी चिंता नहीं होगी, बल्कि इन पे हंसी आएगी कि मैं तो कितना स्टूपिड था जो ऐसी चीज़ें सोचता था. नेगेटिव थॉट्स नोट पे ही अच्छे लगते हैं, आपके ब्रेन में नहीं. नंबर 5, बी ओपन माइंडेड. हम सबसे होशियार हैं, ऐसा कह के आप खुद को बेवकूफ़ी बना रहे हैं. वी कैन नॉट बी बेस्ट इन एवरी प्लेस. हमें दूसरों से सीखने के लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए. नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई मूवीज ट्राई करनी चाहिए, नई रेसिपीज ट्राई करनी चाहिए, मे बी दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश करनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरों को सुनना चाहिए. मदर टेरेसा ने कहा है, यू कैन नॉट लव पीपल इफ़ यू जज देम.
आप सामने वाले से सीख सकते हैं, जरूरी नहीं वो आपसे स्मार्ट ही हो। नंबर 6, एम्ब्रेस रियलिटी। कभी भी सोचा है कि अगर आप में जो कमी है वो कमी ना होती तो आप किस मुकाम पे होते? मैं तो होता, शायद मैं आज से ज़्यादा सक्सेसफुल होता। अगर मेरी मेमोरी थोड़ी सी बेटर होती तो शायद मैं कुछ और बेटर करता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसको हम कर नहीं सकते। हम सपने देखते हैं, सोचते हैं कि काश ऐसा होता तो बेटर लाइफ होती, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सकता। तो जो हो नहीं सकता उसका गम मत करिए, बल्कि जो आप में है उसको एम्ब्रेस कीजिए। अगर मुझ में वो क्वालिटी होती जिसकी मुझ में डिज़ायर है तो मैं यूट्यूब पे आता ही नहीं, शायद इतना भी अच्छा नहीं होता। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, जो आपके पास है क्या सच में उससे बेटर होता? नहीं। आज की लाइफ आपकी सबसे बेस्ट लाइफ है। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मदर नहीं है, और मैंने एक बार सपना देखा कि टाइम के पीछे जाके मैंने उस मोमेंट को बदल दिया और वापस आ गया। वापस आया तो देखा मेरे मदर तो हैं, लेकिन मेरी करंट फैमिली नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा प्रोफेशन वो नहीं है जिसको मैं पसंद करता हूँ। वो सिचुएशन मेरी करंट सिचुएशन से ज़्यादा भयानक थी। उस टाइम पे मेरी नींद ही खुल गई। हमारे पास जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि जो सच नहीं हो सकता उसके लिए रोते रहे। रोना बंद करो मेरे दोस्त। नंबर 7, पाउज एंड बी पेशेंट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बोलना नहीं चाहिए था और बाद में आपको पछतावा होने लगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया। इसी टाइम पे अगर आप थोड़ा सा पाउज करके सोचते तो शायद वो गलत शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। आराम से अपने फीलिंग को बताने से सिचुएशन कुछ और हो जाती है। शायद आपको गुस्सा नहीं आता और शायद सामने वाला आपकी बात को समझ जाता। किसी भी बुरी सिचुएशन में खुद को पाउज करें और थोड़ा सा सोचें आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं या आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा करके आप इमोशनली मैच्योर बन सकते हैं। नंबर 8, लिव इन प्रेजेंट। पास्ट के बारे में सोच के दुख होता है, फ्यूचर के बारे में सोच के स्ट्रेस होता है, लेकिन करंट सिचुएशन के बारे में सोच के हम न्यूट्रल रहते हैं और कुछ सिचुएशंस में तो हम खुश रहते हैं। हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन करंट मोमेंट में रह के हम शायद अपने फ्यूचर को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने MBA नहीं किया और उसके लिए दुख मना रहे हैं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो उससे कभी भी कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आप करंट मोमेंट में जीते हैं, बिजनेस के बारे में नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो आप फ्यूचर में बिजनेस करने के लायक भी बन सकते हैं। मदर टेरेसा कहती हैं, यस्टरडे इज गोन, टुमारो नॉट कम येट, वी हैव ओनली टुडे टू बिगिन। सो दोस्तों, ये तो 8 तरीके जिनसे आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं, दूसरों से अपनी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।